महिलाओं का प्रोटेस्ट जो इतनी तादाद में आज तक कभी हुआ नहीं मुंबई शहर के अंदर, जो आज यहाँ पर वाइमसे मैदान में देखने को मिला है। मैं संपादक शेख सलाउद्दीन, आज का महानगर में आपका स्वागत है। आज जो प्रोग्राम वाइमसे ग्राउंड में हुआ है मुंबई शहर के अंदर, इसमें 60 से 70 हजार औरतों ने हिस्सा लिया है प्रोटेस्ट के अंदर, और मेरे ख्याल से पूरी मुंबई के अंदर अब तक के जो भी प्रोटेस्ट हुए, इतनी तादाद में महिलाओं ने कहीं भी महिलाओं ने हिस्सा नहीं लिया है, जो आज इस प्रोग्राम में हिस्सा महिलाओं ने लिया है और बढ़ चढ़ कर ये साबित कर दिया हिस्सा लेके कि वो NRC के खिलाफ है। 3 तलाक का जो मामला था उसके भी है, JNU का जो मामला दिल्ली में हुआ उसके भी खिलाफ जो प्रोटेस्ट उन्होंने शांति पूर्वक किया है वो एक मिसाल है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है मुंबई शहर के अंदर से कि महिलाओं का प्रोटेस्ट जो इतनी तादाद में आज तक कभी हुआ नहीं मुंबई शहर के अंदर, जो आज यहाँ पर वाइमसे मैदान में देखने को मिला है। बहुत बड़ी तादाद में मतलब महिलाओं ने हिस्सा लेकर ये साबित कर दिया कि वो सरकार को जो मैसेज देना चाहती है NRC के खिलाफ, जो NRC को लेकर जो उनके जो अंदर जो उनके जो प्रदर्शन है उसको आज उन्होंने साबित किया है। आज जो यहाँ पर मैदान में जो देखा गया है, कई नेताओं यहाँ पर आए थे, कई लोगों ने नेता आना जाना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ महिलाओं का ही प्रदर्शन था, महिलाओं का ही प्रोटेस्ट था और महिलाओं ने ही इसके अंदर हिस्सा लिया है, और कई नेता आए और आके चले गए देख के। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है देखा जाए मुंबई शहर के लिए तो, कि महिलाओं ने पहली बार ही इतना बड़ा मतलब एक किसी NRC या मतलब और किसी चीज़ को लेके मतलब कभी प्रोटेस्ट किया हो, लेकिन NRC को लेके पहली बार मुंबई शहर के इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। CA और जैसे कि मेरे पीछे आप बैनर देख रहे हैं NPR, और उसके अलावा जो भी वोमेन का जो प्रोटेस्ट था आज, यहाँ काफ़ी सारे यहाँ बैनर लगाए गए, कई तादाद में यहाँ बैनर लगाए गए यहाँ पर, और मुंबई पुलिस का भी एक इसमें एक अहम रोल है कि उन्होंने भी बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर मतलब इनको सपोर्ट किया है एक तरह से, ना कि दिल्ली पुलिस की तरह मतलब जिस तरह से दिल्ली पुलिस का मतलब वो रवैया था, मुंबई पुलिस का रवैया इस तरह से कहीं पर देखने को नहीं मिला। और मुंबई पुलिस ने काफ़ी हद तक मतलब शांतिपूर्वक इस प्रोग्राम को बनाने में एक उनका भी अहम रोल है देखा जाए तो। हमारे संवाददाता शेख शाहिद ने यहाँ पर उपस्थित पूर्व MLA आमदार जो है मदनपुरे के जो ताल्लुक़ रखते हैं, पूर्व आमदार और नगर सेवक भी रह चुके हैं, वो पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं BMC के अंदर, उनका एक इंटरव्यू किया गया है और बहुत अच्छा उन्होंने शानदार मतलब इस प्रोग्राम को लेकर कहा है, जो आपके सामने अभी आप देख रहे हैं। इसमें मदनपुरा वाइमसे मैदान में आज हम खड़े हैं, इधर आज बहुत बड़ा जो NRC CA जो कानून सरकार ने, इसके लिए आज बहुत बड़ा मुसलमान औरतों ने जो इधर प्रोटेस्ट कायम किया, आज उन लोगों ने ये साबित कर दिया है मदनपुरा और मुसलमान औरतें जो हर जगह से इधर आई हुई थी, उन्होंने इस प्रोग्राम को अभी तक के देखा गया, जितने भी हर जगह मोर्चे निकाले गए और प्रोटेस्ट हुए उन सब में सबसे सक्सेस प्रोग्राम ये वाइमसे मैदान का रहा है। और हमारे साथ आज यहाँ फैयाज साहब हमारे साथ में खड़े हुए हैं, हम इनसे कुछ सवालात करना या कुछ पूछना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो क्या कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम को लेके। देखिए, इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मदनपुरी के आवाम को मुबारकबाद, जिसने बहुत बेहतरीन तरीके से नौजवानों ने मिलकर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और प्रोटेस्ट किया। ये प्रोग्राम जो है शाहीन बाग में जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं प्रोटेस्ट करते हुए, उनकी हिमायत में, और JNU के अंदर जो नौजवान बच्चों को मारा पीटा गया है, जेल किया गया है, उस चीज़ के ख़िलाफ़ और NRC के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट था। अच्छा फैयाज भाई, जैसा दिल्ली पुलिस ने रवैया इख्तियार किया है, तो बम्बई पुलिस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मुंबई पुलिस को सलाम, इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया है, और हम सभी लोग आज हर महाराष्ट्र का जो भी लोग हैं वो सब सलाम पेश करते हैं मोहम्मद मुस्लिम को, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से कारदगी अंजाम दिया। फैयाज भाई, एक आखिरी बात, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार तो निकम्मी है और सरकार बदलनी है, एक तरफ चौकीदार और तरफ तड़ीपार, ये दोनों ही सरकार है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और ये सरकार जो है RSS के मंसूबे पे चल रही है, उसके एजेंडे पे चल रही है, और मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रही है जो नाकाम हो जाएगी,
हिंदू मुसलमान को लड़ाकर ये सत्ता में रहना चाहते थे, लेकिन आज उल्टा हो गया। आज मुसलमानों से ज़्यादा जो है हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है फ्रंट पर हैं। क्यों? क्योंकि मुल्क का संविधान खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान हमको दिया है, आज वो खतरे में आ गया है। उसके लिए यहाँ पर आज प्रोटेस्ट हुआ है कि संविधान बचाओ। अभी हम बात कर रहे थे फैयाज साहब से, इन्होंने बताया है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ कानून है, जिसे इस अंधी सरकार ने नकारने की पूरी पूरी कोशिश की है। आज इसके लिए मुसलमान और इस देश के हर हिंदू मुसलमान मिलके खड़े हुए हैं, और ये जब तक ये चीज़ हटाई नहीं जाएगी, और ऐसे ही मुसलमान हिंदू सब मिलके रास्ते पे उतरते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।